हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैंडसम ऑथर गेमिंग। सो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं क्रिकेट 19 की पहली वीडियो। गाइस आई एम रियली रियली सॉरी कि वीडियोस लेट हो रही हैं, मेरा यूएसबी कनेक्टर घूम गया था जिस वजह से वीडियोस लेट हो रही थी, अब वो मिल चुका है। तो आज जो मैच है वो है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। ये 5 ओवर का मैच है और ये लाहौर क्रिकेट क्लब के अंदर खेला जा रहा है। और कल हमारा मैच है India. Good afternoon and welcome for this 5-5 between Pakistan and Afghanistan. I'm Michael Slater and with me for this match is James Taylor. Hey Slats, good afternoon everyone. The clouds have come over and there is some rain in the area. Hopefully it will pass us by. Under all these conditions, I think the captain that wins the toss won't hesitate in choosing to bat first. Well, the two captains are in the middle. We're ready for the toss. और पाकिस्तान टॉस जीत चुका है और तक हमें बॉलिंग The captain must think there's a little bit of life to squeeze out of this pitch. It certainly looks good for batting, but they've decided to bowl first. पहली इनिंग्स में ताकि अंदाजा हो जाए कि पिच कैसी है, बॉलिंग फ्रेंडली है बैटिंग फ्रेंडली है। लेट्स सी गाइस, आपका आवाज मेरी सही आ रही है ना? ज्यादा पहली वीडियोस के वी जस्ट अबाउट रेडी टाइम फॉर द फर्स्ट बॉल। ओके, तो फिर शाह को इन्होंने ओवर दिया, लेकिन मुझे अभी किसी स्पिनर से ओवर नहीं करवाना है। अभी अभी मैंने ओवर दिया है शाहीन शाह अफरीदी को, वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान बॉलर इन T20 क्रिकेट एंड ODI T20 टेस्ट एंड ODI के। तो पहली बॉल हजरत अल्लाह को करवाते हुए ब्लॉक किया और बॉल फील्डर के तरफ गई है। एक रन आराम से चुरा लिया है पाकिस्तान से अफगानिस्तान में। शाहीन शाह अफरीदी की दूसरी बॉल और ये अपील करते हुए अंपायर ने कुछ भी नहीं कहा, कहते हुए नॉट आउट है। साथ साथ पाकिस्तान ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जाने का फैसला किया है। शाहीन शाह अफरीदी अपनी आखिरी बॉल करवाते हुए ओवर की आसमान में खिला फील्डर के ऊपर से और पहला चौका कंबाइन सीरीज का। फर्स्ट फोर बाय हजरतुल्लाह एंड फर्स्ट फोर कंबाइन सीरीज। 5 रन बगैर किसी नुकसान के खुशदिल शाह आए बॉलिंग करवाने। बिल्कुल मिस किया हजरतुल्लाह ने, समझ में नहीं आई बॉल किधर से गई और आराम से बॉल को और बैट्समैन को बीट किया, हिट किया, लेकिन डायरेक्ट फील्डर के हाथों में। सेफ खेल रहे हैं, ज़्यादा ऊंचे शॉट मारने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं हजरतुल्ला। और खुजल शाह की बॉल एक बार फिर से फील्डर के हाथों में। हजरतुल्ला जो है इतने बड़े शॉट्स नहीं लगा रहे हैं, एक रन लिया है अभी तक 4 गेंदों में, बॉलें ज़ाया कर रहे हैं। T20 में बॉलें नहीं ज़ाया करनी चाहिए, ये तो 5 ओवर वाले मैच में बॉलें ज़ाया करना है। एक और डॉट बॉल, क्या ये मेडन ओवर है? मेरे ख्याल से ये मेडन ओवर है। और अभी खुजल शाह की बॉल और डायरेक्ट रिजवान ने बॉल को कैच किया और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। हजरतुल्ला जो अफगानिस्तान के ओपनर हैं उनको पवेलियन की तरफ वापस भेजा है। ये एकदम से एज हुआ और डायरेक्ट रिजवान के हाथों में। रिजवान की बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपिंग, इनकी बैटिंग भी अच्छी है, विकेट कीपिंग तो बहुत ही आला है। अगर ये ऐसे ही खेलते रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन बन सकते हैं। जन्नत जन्नत आए हैं। खुदिल शाह इनको अपनी बॉल करवाते हुए आखिरी बॉल इनके ओवर की और ये स्विफ्ट शॉट खेलने की कोशिश करी, लेकिन मिस की बॉल और 2.73 का रन पर। 2 ओवर जा चुके हैं, अब वहाब रियाज का ओवर है। दोनों टीमों के एक एक रिव्यू रहते हैं। अफगानिस्तान का 2.50 का रन रेट है और एकदम आसमान में बॉल को उछाल दिया है जनात ने। और ये पहला चौका, दूसरा चौका इस सीरीज का,
सेकेंड फोर ऑफ दिस इनिंग, और जो विनर होगा वो डायरेक्ट सीरीज के लिए क्वालिफाई करेगा, और जो लूजर होगा वो वापस अपने मुल्क जाएगा। ये नॉकआउट्स हैं, दूसरी बॉल और ये बोल्ड जबरदस्त बॉलिंग, एकदम बैट्समैन को बीट किया, यॉर्कर थे और जो ग्रेज पूरी तरीके से मिस हो गए कि कैसे बॉल को खेलना है, और आउट, अपनी विकेट गवा बैठे हैं ये, और ये अब जा रहे हैं पवेलियन की तरफ वापस। इब्राहिम नए बल्लेबाज रजदान आए हैं, रजदान वहां रियाज को फेस करते हुए ब्लॉक किया, सॉरी फ्लिक किया, और चौके के लिए बॉल जाते रहेगी और फील्डर इसको नहीं रोक पाएगा, और ये चौका, सॉलिड शॉट देयर ऑफ द मार्क विद द बाउंड्री। अब गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं पीएसएल की भी वीडियोस बनाऊं तो उस वीडियोस को 4 लाइक दें, लाइक एंड 4 ओके। वहां ब्रियास की दूसरी बॉल हवा में है, कैच हो पाएगी, नहीं, आराम से सेफ लैंड हुई और डायरेक्ट बाबर आजम ने पकड़ लिया। ये वन डिप आउट होता तो वन डिप आउट हो सकते थे। ये अफगानिस्तान का रन रेट 5.25 का है, जो कि सही रन रेट नहीं है इस वक्त, कम से कम 7 का रन रेट होना चाहिए। आराम से बैक साइड के ऊपर खेला और बैक साइड पे कोई फील्डर नहीं था, तो चौके के लिए बॉल आराम से चली गई, और फिर उसको चेज कर रहे थे लेकिन वो चेज नहीं कर पाया और वो चौका हो गया। वहाँ पर आज अपनी आखिरी बॉल करवाते हुए ओवर की स्लो डाली, क्लिक किया और ज़्यादा दूर नहीं गई, आराम से बाबर आजम ने बॉल को पकड़ लिया, और 19 पे 2 खिलाड़ी आउट अफगानिस्तान के। अंपायर क्विक टू रिजेक्ट द अपील, दिस बॉल रियली कैन गेट दीस स्पिनिंग अ लॉन्ग वे, आई एम बॉलिंग करवाने के लिए, स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स है, बॉल करवाएंगे, और ये पहली बॉल में हवा में मार रहा है, फील्डर नीचे लैंड हुई सेफली, बाबर आजम के सर के ऊपर से गई और चौका हो गया, ये गेंद की पौड़ी हो गई है, गेंद की पौड़ी हो गई है। जनाद बॉल करवाते हुए बैक साइड की तो ऊपर की बैक साइड की तरफ खेला और एक और चौका, 8 रन 2 बॉल के अंदर, बहुत एक्सपेंसिव ओवर जा रहे हैं। ये इमाद वसीम का पहली विकेट खुद दिलशान ने ली है इस कंबाइन सीरीज की, ब्लॉक किया और डायरेक्ट जो है फील्डर के हाथ में, सरफराज को खिलाना चाहते थे लेकिन कोई जगह नहीं बन रही थी सरफराज की, रिजवान को हमने चांस दिया है और ये बैक साइड पे खेला और चौका, 4 बॉल 12 रन, बहुत एक्सपेंसिव ओवर इमाद वसीम का, इन्हें ध्यान से बॉलिंग करवानी पड़ेगी। जन्नत तेदार बॉल बैटिंग एंड पे फिर से रिवर्स स्वीप खेला लेकिन फील्डर ने रोक आउट, रन आउट की चांसेस नहीं, डायरेक्ट हिट होती तो चांसेस हो सकते थे, फील तो कर रहा है पाकिस्तान लेकिन अंपायर नहीं कह रहे हैं, अंपायर का इशारा नॉट आउट। सेकंड लास्ट बॉल, सोचा कि बॉल हवा में थी लेकिन बॉल नीचे थी, इस ओवर के अंदर 3 चौके और 1 सिंगल रन दिए गए, 13 रन बनाए हैं अफगानिस्तान ने। फहीम अशरफ आए हैं, अफगानिस्तान का रन रेट 8 के चल रहा है जो कि बहुत ज़बरदस्त रन रेट है, अगर ये 50 रन बना लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त जाएगा इनके लिए। आगे की तरफ खेला, फील्डर है उधर मौजूद, फील्डर ने बॉल उठाई, फहीम विकेट कीपर को दी वापस, बॉल करवाई, आराम से पुल शॉट खेला, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, पुल शॉट खेला, बाबर ने चेस तो कर दिया, डायरेक्ट हिट गलत एंड पे थ्रो, गलत एंड पे थ्रो किया पाकिस्तान ने, बाबर ने गलत एंड पे थ्रो किया, अगर बॉलिंग एंड पे थ्रो करते तो ये आउट हो सकते थे अभी। बॉल आराम से हिट किया और फील्डर को चेस कर नहीं पाएंगे और चौका, कोशिश तो थी अच्छी शाहिन अफरीदी की, इनसाइड एज लगा और डायरेक्ट बॉल चौके के लिए गई, फहीम अशरफ की 5वीं बॉल ब्लॉक किया, ब्लॉक कर कैसे किया लेकिन बॉल दूर तक गई, आराम से 2 रन ले लिए इन लोगों ने, तीसरा रन नहीं लेने का रिस्क किया, डायरेक्ट हिट थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरी बॉल इस इनिंग की, अगर इस बॉल पे छक्का मार के फिनिश करते हैं तो
तो पाकिस्तान को 52 रन चाहिए होंगे मैच अपने हाथ में करने के लिए, और ब्लॉक किया था और डॉट बॉल पाकिस्तान को 46 रन चाहिए। सिर्फ 30 गेंदों पे फखर जमान आए, मुजीबुर रहमान उनको बॉलिंग करवाएंगे। मुजीबुर रहमान बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, स्पिनर हैं। फखर जमान को पहली बॉल करवाते हुए फखर जमान ने बहुत अर्ली रिएक्शन दिया, अगर अर्ली करेंगे तो फिर आउट होने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनको परफेक्ट टाइमिंग पे ये गेंद खेलनी पड़ेगी, क्योंकि स्पिनर को फेस करना इतना आसान नहीं होता है। मुजीब की दूसरी बॉल और ये चौके मारा, आप चौके के लिए जा सकती है, फील्डर इसको चेज कर रहे हैं और ये चौके के लिए चली दी गई बॉल, फील्डर इसको चेज नहीं कर पाया और आराम से चौका। 42 रन फ्रॉम 28 बॉल्स आर रिक्वायर्ड। एक और हवा में गेंद फील्डर के ऊपर से गई और ये एक और चौके के लिए जमान फॉर्म में नजर आ रहे हैं आज। 8 रन बनाया, 3 गेंदों पे बहुत आला खेल रहे हैं। अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे तो पाकिस्तान बहुत जल्दी जीत जाएगा। आराम से खेला, फील्डर के हाथ में डायरेक्ट हिट, नो डायरेक्ट हिट, विकेट कीपर को थ्रो किया फील्डर ने और फिर विकेट कीपर ने स्टंप्स पे मारने में थोड़ा सा टाइम लिया। अगर थोड़ा जल्दी मारते तो जब बाबर हवा में थे तब वो आउट हो सकते थे। बाबर ने ब्लॉक किया, सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं बाबर, अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं वो सेट होने के लिए। एक रन लिया उन्होंने, ब्लॉक किया और एक रन के लिए लिया और फखर आए अभी क्रीज पर। क्या वो आखिरी गेंद पर कोई जादू दिखा पाएंगे, देखते हैं। उन्होंने आराम से खेला और बॉल डायरेक्ट फील्डर के हाथ में, 11 बगैर किसी नुकसान के पाकिस्तान के रन मुकम्मल। नई मुल्क आए नए बॉलर अफगानिस्तान की तरफ से, फखर जमान को बॉल करवाएंगे। फखर जमान बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं फास्ट बॉलर के खिलाफ और एक ये फुल शॉट खेला और ये चौके के लिए बॉल चली गई, ज़बरदस्त। रिक्वायर्ड रन रेट 8 का है और पाकिस्तान का रन रेट 10 का है। फुल शॉट जो है लेफ्ट साइड पे खेलने की कोशिश करी लेकिन बॉल राइट हैंड पे चली गई इनके, ज़बरदस्त बैटिंग फखर जमान की तरफ से। शॉर्ट पिच डिलीवरी बहुत अर्ली हेलमेट पे लगी इनके और फखर जमान सेफ, उनको कोई फिजियो की ज़रूरत तो नहीं, कोई फिजियो की ज़रूरत नहीं। एक बाउंसर था ये, शॉर्ट पिच नहीं बाउंसर डिलीवरी थी ये नईम उल हक की। फखर जमान आते हुए एक और बार अर्ली खेला, बहुत करीब थी विकेटों के, अगर थोड़ी सी और नज़दीक होती तो आउट हो सकते थे ये, बहुत बड़ा मिस था ये। और फखर जमान को देख के खेलना पड़ेगा, ये नहीं कि 5 ओवर का मैच है तो आप हर बॉल पे हिट करें, कुछ बॉल पे ब्लॉक भी खेलें आप बाबर आजम की तरह। फखर जमान आए हैं, उन्होंने हल्का सा हिट किया और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ भागती हुई, चौका हो चुका है ये। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और अफगानिस्तान को और अपनी बॉलिंग को अच्छा करना पड़ेगा अगर ये मैच जीतना है। फखर जमान एक पुल शॉट खेला हवा में है, गेंद छक्का 84 मीटर 6 और ये पहला छक्का था इस सीरीज का। 21 रन चाहिए 19 गेंदों पे। फखर जमान बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, फील्डर की जानिब खेला, फील्डर उधर मौजूद हैं, आराम से 2 रन ले चुके हैं। तीसरे के लिए बाबर आजम भागते हुए और ये नईम उल हक ने बॉल पे मार दी है और अंपायर का इशारा आउट, बाबर आजम वापस चले जाते हैं। ज़बरदस्त फील्डिंग दोनों बॉलर से, दोनों फील्डर और बॉलर के बीच में। बाबर आजम आउट ऑफ द क्रीज थे, बैट हवा में था उनका, अगर बैट जमीन से होता तो वो बच सकते थे। बाबर आजम को जाना पड़ेगा, एक रन बनाना, एक रन बनाया एक गेंद पे। हैदर अली आए हैं, यंगस्टर आए हैं, वो अपनी पहली गेंद खेलेंगे। राशिद खान उनको बॉल करवाएंगे
थोड़ा टफ होगा उनके लिए स्पिनर को खेलना राशिद खान जैसे बल्लेबाज। The ball is going very high in the air, but there is a fielder under it. कैच ड्रॉप तो नहीं होगा लग रहा, कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने। डायरेक्ट हिट मार दी, कैच ड्रॉप किया, बॉलर को विकेट नहीं दी, खुद विकेट ली। जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। ये बॉलर, ये फील्डर कौन थे? डायरेक्ट हिट मारी हैदर अली के एंड पे और हैदर अली वापस पवेलियन जाते हुए दो रन बनाए। के जन्नत ने मारी बॉल और हैदर अली वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए। और प्रोफेसर साहब आए, हफीज प्रोफेसर, राशिद खान आए हैं और फखर जमान ने उनको ऊंचा मारा है और ये बॉल छक्का या चौका? छक्का, 116 मीटर लंबा छक्का फखर जमान का, दूसरा छक्का इस पूरी कंबाइन सीरीज का दूसरा छक्का था। पहले मैच के अंदर दो छक्के मार चुके हैं, अफगानिस्तान ने कोई भी छक्का नहीं लगाया। राशिद खान बॉल करवाते हैं, एक और बार उठा के खेला है क्या? एक और छक्का होगा ये, मेरे ख्याल से नहीं, ये छक्का, तीसरा छक्का, दो छक्के एक साथ। राशिद खान अपनी ओवर की चौथी बॉल करवाते हुए पैरों में करवाई है ये गेम, फखर जमान ने उठा के खेला है और ये बाउंड्री से ऊपर एक लंबा छक्का, बहुत ज्यादा लंबा छक्का, बहुत बड़ा छक्का, 140 मीटर लंबा छक्का, सबसे ऊंचा छक्का है ये अभी तक का, 140 मीटर ऊंचा छक्का, सबसे ऊंचा छक्का। तीन छक्के लगा चुके हैं ये एक इनिंग के अंदर अपनी फखर जमान, और पाकिस्तान इसी के साथ 3 विकेटों से जीत चुका है ये मैच। जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग दोनों की तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने विकेट्स नहीं है ये कोई बात नहीं है, दोनों छनी खेला, उन्होंने भी परफॉर्म किया, लेकिन जीत आखिर में पाकिस्तान की हुई। बाबर आजम का रन आउट, गलती से इधर फखर जमान आ रहा है, लेकिन ये बाबर आजम का रन आउट है जिसको बहुत इंजॉय किए सारे फैंस ने। हैदर अली को डायरेक्ट हिट मार दी और फिर इसी के साथ साथ आज के मैच के लिए बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी इधर ही, और हम आपके लिए कल मैच ला रहे हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।